नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में ही मैं बलविंदर नेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे। बहुत दिनों की गैप के बाद आप आज के आपके सामने एक नई भर्ती की इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां भी नई नई भर्तियों की अपडेट आप लोग सबसे पहले देता रहता हूँ। तो आशा करता हूँ आप उन्हें भी जाके फॉलो करेंगे। दोस्तों तो आज अपने बात करने जा रहे हैं वो है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट की जो 2023 की भर्ती है उसके बारे में। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे आपके उसकी भर्ती के बारे में, फुल डिटेल वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आशा करता हूँ आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों तो बात करेंगे दिल्ली पुलिस 2023 की जो न्यू रिक्वायरमेंट आई उसके बारे में। अगर अपने टोटल ऑफ पोस्ट की बात करूं तो टोटल ऑफ पोस्ट है इसमें 7547 पोस्टों पर टोटल ये भर्ती आई हुई है। 7547 पोस्टों पर ये भर्ती आई हुई है। लेकिन अगर इसमें अपने कैटेगरी वाइज की अगर बात करें कि कैटेगरी में कितनी पोस्ट आई हुई है, तो मेल कैटेगरी में बात करूँ तो 5056 पोस्टों पर ये मेल कैंडिडेट के लिए भर्ती है, और फीमेल के लिए 2491 पोस्टों पर ये फीमेल कैंडिडेट के लिए भर्ती आई हुई है। दोस्तों इसी अगर अपने फीस की बात करें दोस्तों जनरल ओबीसी की अगर फीस की बात करूं तो मात्र 100 रुपये इसकी फीस है। फॉर्म फीस है जो मात्र 100 रुपये रहेगी, आपकी जो फॉर्म फीस है वो मात्र 100 रुपये रहेगी किसकी, ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए। लेकिन वही बात करें अदर एसटीएससी जो अदर कास्ट रहेगी दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, उनके लिए कोई फीस नहीं रहेगी, कोई चार्ज उनको नहीं देना होगा। फिर मैं बात करूंगा दोस्तों एज में कि आपकी एज कब से काउंट होगी। अगर एज काउंट की अगर बात करें काउंटिंग की, तो आपकी जो एज है 1 जुलाई 2023 से इसकी काउंट होगी। दोस्तों 1 जुलाई 2023 से इसकी है जो एज काउंट होना प्रारंभ होगी। यही बड़ी बात करें दोस्तों एज की, तो एज में 18 से 25 वर्ष का क्राइटेरिया जो एज में रखा गया है। फिर बात करेंगे ओबीसी को 3 वर्ष की और एसटीएससी को अन्य 5 वर्ष की नियमानुसार जो छूट दी जाती है, यानी ओबीसी वाले 28 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एसटीएससी वाले कितने तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 30 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनको छूट दी जाती है। दोस्तों फिर अपने बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करूं तो 12वीं पास वाले स्टूडेंट है जो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और कंडीशन रखी गई है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस किन के पास होना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट है फार्म के, दोस्तों बताऊंगा अभी आपको। देखिए अगर आपने 12वीं पास है तो फार्म भरने के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों इन्होंने क्या कहा है कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनको लाइसेंस की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी 2491 पोस्ट जो फीमेल की हैं वो 12वीं पास स्टूडेंट है जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं 5056 पोस्टों पर जो भर्ती है उसमें आपको क्या चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक्सपीरियंस की किसी प्रकार की कोई इसमें नोटिस नहीं दिया गया है कि आपको एक्सपीरियंस जो लाइसेंस है इतना पुराना हो चाहिए या कितना भी किस प्रकार का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, केवल आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अब इसके फार्म प्रारंभ नहीं हुए हैं, आप जल्दी से जल्दी अपना जो है लाइसेंस अप्लाई कर दें ताकि आप इसमें फार्म भरने के लिए एलिजिबल हो सको। दोस्तों यानी मेल कैंडिडेट है जो फार्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे दोस्तों कि अब आप मान के चलो जहाँ 100 व्यक्तियों ने फार्म भरना था, 100 विद्यार्थियों ने फार्म भरना था, वहीं 60% व्यक्ति हैं जो फार्म अप्लाई करेंगे। कैसे, क्योंकि सभी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। दोस्तों तो जिन जिन के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो अप्लाई कर दें। और आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें कि आप कौन से राज्य से और कौन से जिले से मेरी ये वीडियो आप देख रहे हैं। फिर अपने बात करेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस में हो चुकी है दोस्तों, उसके बाद एग्जाम नवंबर और दिसंबर में आपका एग्जाम क्या हो जाएगा इसमें कंडक्ट कर लिया जाएगा। दिसंबर से लेकर दिसंबर के मध्य इसका आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों फिर बात करेंगे पोस्ट ऑफ डिटेल की, कितनी पोस्टों पर ये भर्ती आई हुई है। दोस्तों टोटल पोस्टों पर भर्ती अपने की 7547 पोस्टों पर ये भर्ती है। लेकिन जनरल की अगर बात करूँ मेल कैंडिडेट के लिए 3053 पोस्टों पर ये भर्ती है और जनरल फीमेल के लिए 1502 पोस्टों पर ये भर्ती आई हुई है। ओबीसी की अगर बात करूँ तो मेल कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट है उनको 287 पोस्टों पर ये भर्ती है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए ओबीसी में कितनी है, 142 पोस्टों पर ये भर्ती है। ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए 542 पोस्टों पर भर्ती है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 268 पोस्टों पर भर्ती है। एस टी एस सी के लिए बात करें, एस टी एस सी के लिए दोस्तों सॉरी
एससी के लिए अगर बात करूँ तो 872 पोस्टों पर मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 429 पोस्टों पर भर्ती है। फिर बात करेंगे एसटी के लिए तो 302 पोस्टों के लिए मेल और फीमेल के लिए 150 पोस्टों पर भर्ती आई हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस की अपने बात करेंगे दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो वहां जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां भी नई नई भर्तियों की अपडेट सबसे पहले आपको देता रहता हूँ दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो वहां जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। फिर बात करेंगे रिटर्न एग्जाम की कि सबसे पहले इसका क्या होता है, रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम में क्या आएगा उसके बारे में आगे अपनी बात करेंगे। फिर होगा आपका फिजिकल पीएसटी और पीईटी टेस्ट हो जाए आपका हो जाएगा, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल, उसके बाद होगी आपकी ज्वाइनिंग दोस्तों। ये हुआ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की। अब अपने बात करने जा रहे हैं एग्जाम सिलेबस की कि एग्जाम में क्या आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ऑनलाइन आपका इसमें एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम में क्या होगा, आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे दोस्तों और 100 ही नंबर के होंगे और आपको समय कितना लिएगा, 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय इसमें दिया जाएगा। नेगेटिव मार्क की बात करें तो 0.25 सी यानी 0.25 यानी 1/4 की आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। फिर बात करेंगे इसमें कि सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो सब्जेक्ट जीके और जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, पूरे एग्जाम का 50% क्या होगा, जीके और जीएस होगा। और रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ की बात करें तो 15 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर की बात करें तो 10 क्वेश्चन इसमें आपके लिए जाएंगे, यानी टोटल अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर के होंगे, लेकिन जो एग्जाम का 50% है वह जीके और जीएस में आएगा, आप लगभग इसकी तैयारी प्रिपेयर करके जाएं। फिजिकल डिटेल की अगर बात करूं तो फिजिकल में क्या होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिजिकल की बात करें तो आपकी हाइट होगी सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेमी, लेकिन फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 157 सेमी इन्होंने क्या है हाइट मांगी है। चेस्ट की अगर बात करें मेल कैंडिडेट में तो 80 से 85 आपकी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए चेस्ट, यानी 80 बिना फुलाए और फुलाव क्या होना चाहिए आपका 5 सेमी का क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए। रनिंग की बात करें दोस्तों तो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रनिंग है और 6 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1600 मीटर इसकी भी रनिंग है दोस्तों, लेकिन इसमें समय थोड़ा सा ज्यादा दिया जाता है, मेल फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट का समय इसमें दिया जाता है। लॉन्ग जंप की अगर बात करूं तो 14 फिट में आपको मेल कैंडिडेट में लगाना होगा, लेकिन फीमेल कैंडिडेट को 10 फिट का आपको क्या लगाना होगा लॉन्ग जंप। यहीं मैं हाई जंप की अगर बात करूं तो हाई जंप में 3 फिट 9 इंच आपको क्या लगाना होगा, क्या लगाना होगा दोस्तों हाई जंप। और गर्ल्स के लिए अगर बात करें, फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 3 फिट आपको क्या लगाना होगा दोस्तों, हाई जंप लगाना होगा। ये थी दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो नई रिक्वायरमेंट है उसके बारे में अपनी चर्चा की। अभी भी इस भर्ती के बारे में किसी प्रकार की कोई भी डिटेल आपको बताने में रहेगी दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे फेसबुक चैनल और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मुझे कमेंट के माध्यम से आपके किसी प्रकार के कोई डाउट हो तो मुझे मेरे से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों कमेंट के माध्यम से। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस यानी दिल्ली पुलिस की अगर आपको लास्ट ईयर की मेरिट कितनी की थी, कितनी मेरिट कट ऑफ गई है उसके बारे में आपको डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और उसके बारे में अगली वीडियो अपने बना देंगे। आपके कमेंट्स की अगर मांग हुई तो अपने उस वीडियो को भी बना देंगे जरूर दोस्तों। आजकल इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।